हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एसआई सब इंस्पेक्टर के लगभग 9500 पदों के लिए, जिनके लिए लगभग एक साल से कैंडिडेट वेट कर रहे थे, उनके लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। गवर्नमेंट को लगातार अलर्ट किया जा रही है कि आप इन पदों को निकालिएगा। कैंडिडेट काफी दिन से इन एग्जाम की तैयारी के लगे हुए हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, लगभग 1.5 साल से इस पोस्ट को लेकर लगातार रोज अखबार में आ रही है कि पोस्ट निकाले जाएंगी। इसको लेकर एक छोटा मोटा नोटिफिकेशन हमें मालूम पड़ा है, जो ऑफिशियल नहीं है, मगर एक जानकारी मिल रही है कि इसका 10 से 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन के तुरंत बाद 1 या 2 दिन के अंदर आपको इसका फॉर्म भरने की डेट दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी निकाली जाए, और ये वैकेंसी जो है कब तक आ जाएंगी, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें बदलाव हुए हैं, जो प्रीवियस कट ऑफ था वो इसका क्या रहा था, वो भी हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मानना ये है कि इसके जो फॉर्म है वो 30 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जारी किए जा सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट यूपीएसआई की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें फॉर्म भरने की डेट 30 जनवरी से 15 फरवरी तक के दे दी जाएगी कि आप इस दौरान अपना फॉर्म भरिएगा। यानी इस दौरान आपके एग्जाम के लिए फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले आपको इसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर लें, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट काफ़ी दिन से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसका सिलेबस क्या है। और जो इसका सिलेबस है वो इसका सिलेबस में आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ प्लस जीके आपकी निर्धारित की गई है। जीके ना मानकर हम इसे चलें तो ये आपका मूल संविधान जो है वो इसका हो जाएगा। मूल संविधान से बांध कर चलेगा, उसमें ही आपका जीके का भी पार्ट पूछा जाएगा, मूल संविधान का भी क्वेश्चन आएंगे। मूल संविधान यानी धारा से संबंधित आप उस स्टेज में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और जो टोटल है इसका, जो एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, इसका 160 क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए 400 मार्क्स तय किए गए हैं, और इन 400 मार्क्स को लगभग एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स निर्धारित किया गया है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें इस बार ये है कि कोई निगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में अब की बार देखने को नहीं मिलेगी। बट दोस्तों, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, यूपी जेल वार्डन की भांति हो सकता है 10 दिन पहले ही एग्जाम के आपको नोटिस जारी हो कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग तय की गई है और पेपर पे आओ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। बट वो जब की जब है, अभी तक ये माना जा रहा है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 160 क्वेश्चन होंगे जिसमें 400 नंबर का आपका पेपर निर्धारित हुआ है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और एक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब हम इसके पेपर की भी बात करेंगे, किस तरह का इसका एग्जाम आता है, प्रीवियस कट ऑफ क्या था, और इस बार इस एग्जाम में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार इस एग्जाम को लेकर है वो ये है कि पहले जो इसका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हर सेक्शन से 50% मार्क्स आने पर ही आपको क्वालिफाई माना गया था। यानी आप ये मानकर चलेगा 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको क्वालिफाई माना गया था। यानी आपको 200 क्वेश्चन में से मिनिमम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे तभी आपको क्वालिफाई माना गया था। चाहे बेशक वैकेंसी खाली चले जाएं, आपको क्वालिफाई नहीं माना गया था, वो तब था। मगर इस बार क्या हुआ है, इस बार ये क्वालिफाइंग स्कोर घटाकर 35% कर दिया गया है, और कोई निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग स्कोर घटाकर 35% कर दिया गया है। यानी अब आपको 40 क्वेश्चन का 35% स्कोर करना होगा तो आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा और आपका मेरिट तैयार होगी। देखिएगा दोस्तों, इस बार इसमें ये बदलाव भी है, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो ये बदलाव किए गए हैं कि एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए। एग्जाम जो आपका ऑनलाइन कराया जाएगा। पहले जो एग्जाम हुआ था वो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, इस बार ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन एग्जाम को मे भी जो भी टेंडर पास होंगे, जो भी कंपनी कराएगी, वो कंपनी इस एग्जाम को कराएगी, और मे भी ये माना जा रहा है कि इसके लिए TCS को टेंडर दिया गया है। तो ये इस बार इसमें बदलाव है। अब एक बदलाव को लेकर हम और डिस्कस कर लें
कि पहले जो इसका कट ऑफ था वो कट ऑफ अभी तक कोई निर्धारित नहीं हुआ है। और इसी चीज को लेकर हम बता दें, यूपीएसआई की जो वैकेंसी पिछले साल आई थी, पहले आई थी, उसमें कुछ कैंडिडेट हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने जो शिकायत की थी, अपनी याचिका दायर की थी, उन्होंने इसमें कहा था कि आपने हमारा फिजिकल भी कराया, हमें क्वालिफाई भी किया, हमें आपने मार्क्स भी देकर हमें पास भी कराया, आपने हमारी डॉक्टरी भी की, और उसके बाद जब आप फाइनल रिजल्ट जारी करते हैं आप हमें शॉर्टलिस्ट से बाहर कर देते हैं, हमें आप सेलेक्ट नहीं मानते। तो उसमें पूछा गया है कि आप कारण बताइएगा कि आपने हमें अनसेलेक्ट क्यों किया, आपने हमें क्वालिफाई क्यों नहीं किया, जबकि आपने हमारे सारे टेस्ट जो एक भर्ती परीक्षा के दौरान होते हैं वो हमने सब कंप्लीट किए। उस चीज़ को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो कुछ कैंडिडेट उस पर रिट लगा रखी है, याचिका दायर कर रखी है, उसका फैसला भी आना बाकी है। अभी तक इसका कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं हुआ है, कोई कट ऑफ नहीं पता लगा कि यूपीएसआई की भर्ती में कितने कट ऑफ पर कैंडिडेट को सेलेक्ट माना गया था। केवल एक नंबर जारी किया गया था और उसमें भी कुछ वैकेंसी खाली रह गई थी, मगर यह माना जा रहा है कि जिस कैंडिडेट ने या वो एससी एसटी से रहा हो 90 से लेकर 110 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे, उसको सेलेक्ट कर लिया गया है, उसको फिजिकल के लिए कॉल किया गया था, यानी 90 से 110 नंबर तक के बीच जिन कैंडिडेट के मार्क्स थे, देखिए दोस्तों एक्सेप्शनल हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके मार्क्स इनसे भी ज़्यादा थे, यानी इन क्वेश्चन से भी ज़्यादा उन्होंने सोल्व किया था, वो फिर भी सेलेक्ट नहीं माने गए हैं। यानी कुल मिलाकर हम बात करें कि उस भर्ती में अभी तक कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं हुआ है और हाई कोर्ट में उसको लेकर बात चल रही है। तो ये बदलाव है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग स्कोर भी घटा दिया गया है, आपका 30 जनवरी से 15 फरवरी तक के बीच ये फॉर्म आ सकते हैं, और जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा इसको लेकर हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।